हम यहाँ पे लेंगे पिंटोला पीनट बटर, इससे हम बनाने जा रहे हैं वीगन चाय। और मैं आज आपको बताती हूँ इसकी चाय कैसे बनेगी। इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। हम इसमें लेंगे ब्राउन शुगर, चाय पत्ती हम कोई भी ले सकते हैं, और पानी लेंगे, और तुलसी और अदरक। सबसे पहले हम बनाएंगे पीनट बटर का मिल्क बना लेंगे। उसमें हम डालेंगे पानी, हम मिक्सी में एक कप पानी डालेंगे। हम पीनट बटर को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम यहाँ पे 3 कप चाय बना रहे हैं, तो हम इसमें कम से कम 1 कप पानी में 2 चम्मच ये डालेंगे बटर। अच्छे से भर के डालना है आपको। तो निकाल लेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। अब ये पीनट बटर से हमारा मिल्क तैयार हो गया चाय के लिए। अब हम चाय के लिए पानी को उबालेंगे। पीनट बटर से हमने ये मिल्क तैयार कर लिया है, ये 2 मिनट में बन जाता है। इसको तैयार करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस पानी में 2 चम्मच बटर डालो और मिक्स करो, और आपका वीगन मिल्क तैयार। अब हम जल्दी से चाय बना लेंगे। अब हम गैस जलाएंगे और इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। चाय के लिए थोड़ी अदरक को कूट लेंगे। और आपको ज़्यादा अगर अदरक डालनी है तो थोड़ी सी और ज़्यादा डाल लीजिए अदरक। अदरक कूट गई है, अब हम इसको चाय में डाल देंगे। थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल देंगे हम चाय में। सर्दियों का टाइम है तो थोड़ी गर्म चाय बनानी है हमें। और इसको जरा सा उबाला आ जाए। चाय बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हम बनाते हैं, सिर्फ इसमें हमने दूध जो है वो हमने वीगन दूध लिया है और इसको हमने इंस्टेंट ही तैयार कर लिया है। अदरक की मीठी मीठी खुशबू आ रही है, हम इसमें चाय की पत्ती डाल देंगे। पत्ती आप इसमें कोई सी भी डाल सकते हैं, अगर आपको तेज पत्ती पीनी है तो थोड़ी ज़्यादा पत्ती डाल दीजिए, और अगर आपको कम पीनी है तो कम डालिए। अब हमारी ये 3 कप चाय बन रही है, तो हम इसमें ब्राउन शुगर डाल रहे हैं 2 चम्मच। अगर आपको तेज पीनी है तो ब्राउन शुगर की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक।
चाय का पानी अच्छे से उबल गया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये मिल्क जो कि पीनट बटर से तैयार करा है हमने। देखिए कितनी क्रीमी बनी है, गाढ़ी गाढ़ी।